नमस्कार, फर्स्ट इंडिया न्यूज की विशेष नवरात्रि पेशकश देख रहे हैं आप और आपके साथ हूं मैं जयति मिश्रा। साथियों, आज बात करेंगे माता के नवे और अंतिम रूप सिद्धिदात्री माता की। शारदीय नवरात्रि में सिद्धिदात्री माता का बहुत महत्व है। नवमी और अष्टमी विशेष तौर पर बच्चियों के पूजन के लिए, कंजकों के पूजन के लिए जानी जाती है। सिद्धिदात्री माता को कहा जाता है, जिस तरह से नाम से ही परिलक्षित होता है, सिद्धियों का दान करने वाली। सभी देवी देवताओं को जिन्होंने सिद्धियां प्रदान की, जिन्होंने सभी असरकार चीजें हमारे जीवन में उकेरी, जितनी ही हमारे स्वभाव में अच्छी चीजें हैं, सिद्धिदात्री माता की देन है। और आज के दिन पर किस तरह से उन्हें खुश किया जा सकता है, क्या विशेष उपाय किए जा सकते हैं, ये तमाम बातें जानने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जाने माने ज्योतिषाचार्य पंडित पुरुषोत्तम गौड़ जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। श्री राम, जय राम, जय राम, मेरे राम की जय हो। पंडित जी, शारदीय नवरात्रि में सबसे ज्यादा अगर किसी को इंतजार होता है गरबे डांडिया की धूम के साथ, तो वो अष्टमी और नवमी का, क्योंकि उसके साथ में इन पवित्र नौ दिनों का समापन हो जाता है। सिद्धिदात्री माता का जब जिक्र होता है तो नाम से ही काफी कुछ स्पष्ट हो जाता है कि सिद्धियों का दान करने वाली माता है, सभी को सिद्धियां प्रदान करने वाली माता है। सिद्धिदात्री माता का स्वरूप कैसा होता है? देखिए, माँ सिद्धिदात्री की पूजा अर्चन का जो दिन है, ये माँ का अंतिम दिन होता है। नौ दिनों के उत्सव में, यानी नौवें दिन अंतिम दिन की देवी सिद्धिदात्री मानी जाती है। इनकी पूजा अर्चन के साथ ही माँ भगवती के लिए प्रत्येक घर में आज हलवा पकवान बना करके माँ के सिद्धि और मोक्ष देने वाले स्वरूप की पूजा अर्चना की जाती है। सिद्धिदात्री के नाम से पूजा जो करते हैं उन्हें सिद्धि प्राप्त होती है। ये कहते हैं कि नौ दिन की नवरात्रा सिद्ध हो जाती है। नवरात्रा के आठ दिनों में सच्चे मन से माँ की आराधना की है, लेकिन जो नवे दिन हमने पूजा की सिद्धिदात्री की, उनकी कृपा, माता रानी की कृपा यदि आपको मिलती है तो फिर सारे काम सिद्ध हो जाते हैं। लेकिन मिलती ही है। कैसे मिलती है? माँ भगवती को देव, यक्ष, किन्नर, दानव, ऋषि, मुनि, साधक और गृहस्थ आश्रम में जीवन यापन करने वाले भक्त सिद्धिदात्री की पूजा करते हैं। सिद्धिदात्री देवी की पूजा से यश और बल और धन की प्राप्ति होती है। माँ भगवती मोहक स्वरूप में है और माँ भगवती का अपने साधकों के प्रतक, अपने भक्तों के प्रति महाविद्या और अष्ट सिद्धियां प्रदान करने की आशीर्वाद देती है, भाव रखती हैं। ऐसी मान्यता है कि सभी देवी देवताओं को भी माँ सिद्धिदात्री से ही सिद्धियां प्राप्त हुई है। अपने इस स्वरूप में माता सिद्धिदात्री कमल पर विराजमान है, हाथ में कमल शंख और गदा सुदर्शन चक्र धारण किए हुए हैं। सिद्धिदात्री देवी सरस्वती का भी एक स्वरूप में देखी जाती है। उन्हें उन्हीं की भांति श्वेत वस्त्र धारण किए हुए मधुर स्वर से अपने भक्तों को सम्मोहित करती हैं और माँ भगवती की पूजा अर्चना की जाती है। माँ सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना के दौरान ये माना जाता है कि यहाँ जिनके नौमी पूजती है, नवरात्र का समापन जैसी स्थिति में नौ कन्याओं को भोजन कराते हैं और कन्या पूजन इसमें विशेष माना जाता है और कन्या पूजन के नियम की पालन करना भी विशेष माना जाता है। सिद्धि और मोक्ष देने वाली माँ दुर्गा को सिद्धिदात्री कहते हैं। माँ सिद्धिदात्री भगवान विष्णु की प्रियतमा है। लक्ष्मी के समान कमल के आसन पर विराजमान, हाथ में कमल शंख लेकर के गदा सुदर्शन चक्र धारण किए हुए माँ सिद्धिदात्री की घर घर पूजा होती है और घर में बनाए पकवान जिसमें हलवा, पूरी, खीर और काले चने आदि को लेकर के माँ भगवती को अर्पण करते हैं। साथ ही जो जुहारे उगाते हैं, जुहारे का बड़ा महत्व है। ग्रीन जुहारे, हरे जुहारे, उन्हें लेकर के माँ भगवती को और समस्त देवी देवताओं को अर्पण करने के बाद अपनी शिखा पर रखते हैं और साथ में जो भक्त माँ भगवती का आराधना कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, श्रद्धा से नवरात्रा किया है, वो लोग अपने तिजोरी में भी रखते हैं, अपने कल्ले में रखते हैं, अपने पूजा घर में रखते हैं, अपने ऑफिस के ड्रॉअर में रखते हैं, ऐसा रख कर के और फिर माँ का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। माँ भगवती का जो हवन करते हैं, हवन के दौरान दुर्गा सप्तशती का जो पाठ हुआ है उसका दशा अंश हवन करते हैं।
श्री रामचरितमानस का जो पाठ हुआ है उत्तराखंड की 62वें दोहे से लेकर के और 67 तक के चौपाई और दोहों के साथ यहाँ हवन होता है। जो लोग वाल्मीकि सुंदरकांड कर रहे हैं तो दशा अंश हवन करते हैं, वाल्मीकि रामायण का दशा अंश हवन करते हैं। नवरात्रा 9 दिन तक नवपरायण के पाठ के अलावा यदि 9 दिन तक 9 पाठ हुए हैं रामायण के, उनका भी हवन होता है। इस प्रकार से माँ भगवती का घर घर पूजन अर्चन होता है और इसमें 9 कन्याओं को भोजन कराया जाता है और 9 फल देते हैं, 9 फल कन्याओं को अर्पण करते हैं और नवरात्रा का समापन है। इसलिए माँ को भोग लगाने के साथ ही उन कन्याओं के पैर छुए जाते हैं। अपनी क्षमता के अनुसार, अपनी भावना के अनुसार कन्याओं को भेंट भी दिया जाता है, जिसमें धन के साथ फल, वस्त्र, आभूषण इत्यादि चीज कन्याओं को दिया जाता है। 9 कन्या और 1 बटुक को यहाँ प्रसाद खिलाते हैं और फिर उनके चरण स्पर्श करके उनका आशीर्वाद लेते हैं। दुर्गा सप्तशती के 9वें अध्याय से माँ का पूजन करें। 9 दिन सिद्धिदात्री का मौसमी का फल, हलवा, पूड़ी, काले चने, खीर, नारियल का भोग लगाना चाहिए। नवमी के दिन ये बैंगनी या जामुनी रंग का वस्त्र पहनना चाहिए, ये शुभ रहता है। माँ भगवती को कुंवारी कन्याओं का पूजन करने का बड़ा महत्व माना जाता है। इसे एक बात और विशेष तौर पर सभी दर्शकों के लिए कि जब माँ भगवती का पूजन अर्चन करते हैं, जिस कलश को आपने घट स्थापना के रूप में बिठाया है और जो कलश के ज्वारे उगाए थे, उस कलश के नीचे जो आपका ज्वारे हैं उन्हें संपूर्ण घर में, तिजोरी में, सब जगह रखने के साथ उस जल को अशोक के पत्ते से संपूर्ण घर में छिड़कना चाहिए और छिड़कने के साथ ही उस जल का आचमन भी करना चाहिए। इससे जो आपने पाठ किया है, जो आपको समस्त प्रकार की साधनाओं से मिश्रित जल प्रसाद के रूप में मिल रहा है, वो आपको शक्ति देता है, वो आपको बहुत बड़ी ताकत देता है और माँ का आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है। इसी प्रकार से जो है सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना होती है। बिल्कुल पंडित जी, आपने बताया, लेकिन कन्या पूजन का विशेष महत्व भी आपने साथ ही साथ बताया। लेकिन आज की देखिए भागती दौड़ती जिंदगी में कई नौकरी पेशा लोग होते हैं जो चाहते हैं कि कन्या पूजन वो करें, अपने घर पर बकायदा 9 कन्याओं को जिमाएं, खाना खिलाएं, उन्हें भेंट दें, लेकिन अब कभी समय की व्यस्तता की वजह से ऐसा हो नहीं पाता है या फिर ऐसा होता है क्योंकि अब सोसाइटीज में लोग रहते हैं, बच्चियाँ नहीं मिल पाती है छोटी। कन्या पूजन का विशेष महत्व और किस तरह से इसके नियम है, कितनी बड़ी बच्चियों को, किस उम्र तक की बच्चियों को खाना खिलाया जा सकता है, क्या इस पर जानकारी? देखिए, आपने ये बहुत ही अच्छा प्रसंग रखा है, ये बात सही है। कन्या पूजन के दौरान कुंवारी कन्याओं को भोजन कराना चाहिए। भोजन से पहले कन्याओं के पैर धोकर के आशीर्वाद लेना चाहिए, उन्हें माँ के प्रसाद के साथ दक्षिणा देनी चाहिए और उनके चरण स्पर्श करते उनको विदा करनी चाहिए। जो भक्त नवरात्रा में कन्या पूजन के साथ, नवमी के पूजन के साथ व्रत का समापन करता है और उन्हें ही संसार में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है। सिद्धिदात्री माता का जो विशेष रूप से परिलक्षित कार्य का होता है या उनका आशीर्वाद जो प्राप्त होता है वो कन्याओं के द्वारा होता है। कन्या 13 साल से कम की होनी चाहिए, 9 कन्या होनी चाहिए, 1 बटुक होना चाहिए। इस प्रकार से जो है कन्याओं का सम्मान करते हुए और फिर उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। ये भी एक बात है कि कन्याओं को आप जब बिठाते हैं भोजन के दौरान तो पूरब में मुख होना चाहिए, कन्याओं का पूरब में मुख हो और आसन लगा करके बिठाना चाहिए, फिर कन्याओं के पैर धोकर के उस जल को आचमन के रूप में लिया जाता है। यानी कन्या को देवी के रूप में हम मानते हैं। ये 9 माँ दुर्गा के 9 स्वरूप की 9 दिन में पूजा होती है, इसे 9 कन्या और 1 बटुक की पूजा की जाती है। वन वांछित मनोरथ फल की प्राप्ति होती है और ये इस प्रकार से जो है माँ सिद्धिदात्री के लिए मनोरथ यानी आपके मनवांछित फल की प्राप्ति के लिए माँ भगवती से प्रार्थना करें। कन्याओं को भोजन आदि कराने के बाद मनोरथार चंद्रार्कतम शेखराम कमल स्थितम चतुर्भुजाम सिद्धिदात्री यशस्विनम और वो माँ भगवती के चरणों में यश की प्राप्ति के लिए और संपूर्ण मनोकामना को पूर्ति के लिए माँ भगवती को प्रार्थना करना चाहिए।
पंडित जी, भोग क्या लगाया जाए, माँ सिद्धिदात्री को प्रिय क्या है, और इसके दिन के साथ में नवरात्रि की पूरी जो समापन दिन है वो आ जाता है, तो जो वास भी कर रहे हैं वो भी अपना व्रत किस तरह से खोले, कितना समापन किस तरह से करें? देखिए, भोग और नैवेद्य में फर्क है। आपने भोग की बात कही है, भोग की बात करें तो घर में जो पकवान बनाए जाते हैं, खास तौर पे हलवा देसी घी में और खीर पूरी और काले चने, ये माँ का भोग प्रियतम भोग है। और नैवेद्य की बात करें तो नैवेद्य में माँ को केले का अवश्य भोग लगाना चाहिए। सिद्धिदात्री के रूप में ये देखा जाता है कि मृत्यु को हरने वाली और कष्ट पीड़ा को दूर करने वाली है, संपूर्ण प्रकार की सिद्धि देने वाली माँ भगवती सिद्धिदात्री कहलाती है। ऐसे में आप नैवेद्य में केला अर्पण करें और वो केले का प्रसाद संपूर्ण परिवार को वितरण करें ताकि माँ का आशीर्वाद मिल सके। जहाँ भोग लगाते हैं तो यहाँ हमारे लोकाचार शिष्टाचार के अनुसार या कुलानुसार के अनुसार कई जगह जोत देखने की परंपरा होती है, जोत देखते हैं, और कई जगह जोत ना देख करके थाली में परोस करने के साथ ही माँ भगवती को प्रसाद अर्पण कर देते हैं। लेकिन ये विशेष ध्यान रखें कि तुलसी माँ के प्रसाद में ना रखें, क्योंकि तुलसी माँ भगवती को दुर्गा को नहीं छोड़ती है। इसलिए आप जब प्रसाद अर्पण करते हैं तो खीरा पर अर्पण करें, यानी आग पर अर्पण करें। कई लोग जगह जोत देखने की परंपरा है, कई जगह जोत नहीं देखते हैं। इस प्रकार से मातेश्वरी को भोग लगाएं, ये प्रियतम प्रसाद इनके लिए माना जाता है। बिल्कुल पंडित जी, आपने प्रसाद भी बता दिया, ये भी बता दिया, लेकिन साथ ही साथ खास ये भी हो जाता है, आपने जोत का यहाँ पर जिक्र किया, चौकी लोग बैठाते हैं माता की शुरुआत के पहले दिन से ही, और उसके बाद में असमंजस में होते हैं कि अब इस चौकी को वहाँ से किस तरह से वहाँ पर समापन के बाद में इसका क्या किया जाए, जो चावल बच जाते हैं, जो कलश के नीचे रखते हैं, जो गेहूँ रखते हैं कलश के लिए, जो ज्वारे बोते हैं, उनका पूजा के पश्चात किस तरह से उपयोग किया जा सकता है? देखिए, ये तो सिद्ध हो गया है कि तुम निश्चित रूप से किसी पंडित घर से हो, क्योंकि तुम्हें एक एक चीज़ का मालूम है कि विसर्जन के दौरान क्या होता है। ये बात सही है कि जब आप विसर्जन करने का भाव आता है तो बहुत परेशानी होती है, क्योंकि जितनी उत्साह से हमने माँ का आगमन किया है तो विसर्जन और 9 दिन तक जो पूजा पाठ करते हैं, 9 दिन तक पूरा श्रद्धा और मनोयोग से हम पूजा में तल्लीन रहते हैं, तो माँ को उस समय विदा करने में बहुत कष्ट होता है। लेकिन उस वक्त आप चौकी का मूली खोल देते हैं और चौकी को हिला देनी चाहिए। रहा सवाल उसमें, यदि आपके पुरोहित आते हैं, आचार्य आते हैं, या विद्वान, कोई वैदिक विद्वान जिनसे आपने दुर्गा सप्तशती के पाठ करवाए हैं, ये सभी दर्शकों के लिए लागू होती है बात, तो आप वो ले जाते हैं तो अच्छी बात है, और नहीं ले जाते हैं तो पक्षियों को डालना चाहिए। और रहा सवाल नारियल वगैरह का, तो इनको प्रसाद के रूप में ले सकते हैं। लेकिन ये विशेष ध्यान रखें कि दशहरा के दिन यदि आप ये करते हैं तो ज़्यादा ठीक है। कई लोग नवमी के दिन भी चौकी हटा देते हैं, माँ को उठा करके अपने पूजा घर में बिठा लेते हैं, तो ये कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन ये समय आपका यदि करते हैं तो अभिजित मुहूर्त हो तो ज़्यादा ठीक रहता है, दोपहर का मुहूर्त हो। और कन्याओं को भोजन प्रसादी कराने का जो समय है, ये तो सुबह प्रातः होना चाहिए, बल्कि मैं कहूँगा कि 12 बजे से पहले पहले सब हो जाना चाहिए। बिल्कुल पंडित जी, यहाँ पर एक छोटे से विराम के लिए हम रुक रहे हैं, जल्द ही लौटेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ब्रेक पर जाने से पहले बात कर रहे थे माँ सिद्धिदात्री के बारे में। सिद्धिदात्री माँ का वो स्वरूप है जो कि समस्त सिद्धियां प्रदान करता है, बच्चों को भी और देवी देवताओं को भी। अपने बालकों को भी माँ उतना ही प्यार से रखती है जिस प्यार से उन्होंने समस्त देवी देवताओं को स्वर्ग में सिद्धियां प्रदान की थी। हमारे साथ में जाने माने ज्योतिषाचार्य पंडित पुरुषोत्तम गौड़ जी मौजूद हैं। ब्रेक पर जाने से पहले बताया उन्होंने माँ को क्या भोग पसंद है, माँ को किस तरह से विदा किया जाना चाहिए 9 दिन के बाद। लेकिन जरूरी ये भी जानना है, क्योंकि देखिए आज इस समय हम किसी न किसी समस्या से अपने जीवन में जूझ रहे हैं। कोई मानसिक तौर पर परेशान है, कोई बेरोजगार है, समस्त पढ़ाई कर ली लेकिन फिर भी रोजगार हाथ नहीं आ रहा, कोई शादी विवाह में विलंब होने के चलते परेशान है। लेकिन सिद्धिदात्री माँ के कई उपाय ऐसे भी हैं, कई मंत्र ऐसे भी हैं जिनका अगर आप निरंतर जाप करेंगे, जो उपाय आप करेंगे, तो यकीन अपनी बाधाओं से आप दूर हो जाएंगे, आपकी बाधाएं आपके जीवन से चली जाएंगी। पंडित जी, समस्त जतन कर लिए लेकिन फल इच्छा स्वरूप नहीं मिल पा रहा है, कई कोशिशें करने के बावजूद नौकरी नहीं है, शादी नहीं हो रही है लोगों की,
परेशान है। माँ सिद्धदात्री के उपाय इस दिन के लिए खास कुछ? देखिए, ये आपने बहुत अच्छा प्रसंग रखा है। ये ठीक बात है कि आज हमारा युवा अपनी योग्यता क्षमता शक्ति सामर्थ्यता रखता है, मगर रोजगार नहीं मिल रहा है तो बहुत निराश होता है। यहाँ तक कि वो अपने जीवन जीने की शैली से भी परेशान हो जाता है। तो मैं कहूँगा कि परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, इसमें केवल और केवल आपको दृढ़ और विश्वास और एक निष्ठा अपने कर्म के प्रति रखी हुई है। इसी प्रकार से आप धर्म के प्रति भी एक निष्ठा बनाएं। और करना क्या है कि आपके घर में माँ सिद्धिदात्री की 9वें दिन आज पूजा अर्चन हो रहा है। इस दौरान यदि जिन व्यक्तियों को सफलता नहीं मिल रही है तो वो केले का आहुति करें, जिन बच्चियों की शादी विवाह नहीं हो रहा है मुनक्का लेकर के और मुनक्का के साथ आहुतियां करें, जिनके स्वास्थ्य अस्वस्थ की स्थिति में है ऐसे लोग सेव का हवन में अर्पण करें, इसी प्रकार से गाय का घी का अर्पण करें, गुड़ अर्पण करें, लौंग अर्पण करें। ये संपूर्ण जो चीज़ें हैं नैवेद्य के साथ साथ, अनेक प्रकार से नैवेद्यों के साथ साथ आपको आहुतियाँ जो करने को मिल रही हैं, ये आपकी मनोरथ पूरी होती है। देखिए, दुर्गा माँ के 9 स्वरूप की पूजा ये 9 दिन तक लगातार हुई है, जिसमें प्रथम स्वरूप माँ शैलपुत्री, जिनको गाय का घी से आहुति करने से आपकी मनोकामना पूर्ण होती है। दूसरी देवी ब्रह्मचारिणी, माँ ब्रह्मचारिणी जो कि ब्रह्मा के समान उनका स्वरूप उनका तेज किसी से अपरिचित नहीं है, ब्रह्मचारिणी के लिए आप प्रसन्न होकर के और सेव का फल अग्नि में अर्पण करें। चंद्रघंटा जिनको रोली के आप अग्नि पर छींटे दें, या फिर अनार का आप भोग लगाएं, अनार हवन में अर्पण करें। स्कंद माता माँ भगवती स्कंद माता 5वां स्वरूप है। माँ स्कंद माता के लिए जिनको पुत्र के तर्क चाहिए, पुत्र नहीं है संतान प्राप्ति के लिए चाहिए, ऐसे लोग माँ भगवती को पालक अर्पण करें, पालक जो हरा है। और जो कात्यायनी देवी हैं, माँ दुर्गा के 6ठे स्वरूप का नाम कात्यायनी है, ऐसे लोग इलायची या मोटी इलायची हवन में अर्पण करें। कालरात्रि गुड़ का भोग लगाएं, कालरात्रि के लिए गुड़ का भोग लगाएं। और 8वीं माँ देवी जिनका स्वरूप है माँ गौरी के लिए जिनके घर में अष्टमी पुजती है, लोग अष्टमी के दिन भी हवन करते हैं और अष्टमी को 8 कन्याओं के साथ एक बटुक के साथ कन्याओं को भोजन करा के और विदा कर देते हैं, ऐसे लोग विशेष तौर पर आप कमल के फूल के साथ या कहें तो अपने जो गुलाब के फूल हैं वो हवन में डालें। ये मनोकामना सिद्धि के लिए है। और सिद्धिदात्री के लिए तो आप सभी प्रकार की चीज़ों को लेकर के माँ भगवती को हवन में अर्पण करें, क्योंकि यज्ञ को हम सर्वोत्तम श्रेष्ठ मानते हैं। यज्ञो वही श्रेष्ठतम कर्म है, दुनिया में कोई श्रेष्ठ कर्म है तो यज्ञ है। हमारे जितने भी साधक सिद्धि प्राप्त करने वाले सभी लोगों ने यज्ञ के माध्यम से सिद्धियाँ प्राप्त की है, या तो जल में साधना या फिर यज्ञ की साधना से ही सिद्धियाँ प्राप्त होती है। इस प्रकार से सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना का महत्व है और संपूर्ण देवियों का आशीर्वाद सिद्धिदात्री 9वें दिन प्राप्त होता है। बिल्कुल पंडित जी, जाते जाते दर्शकों के लिए एक और बात आप कहेंगे अंत? देखिए, मैं सभी दर्शकों को फर्स्ट इंडिया न्यूज परिवार की ओर से अपील करना चाहूँगा, आप अपने जीवन में आप सबके साथ प्रेम से रहिए और प्रेम के साथ माँ भगवती की तरह उदार भाव रखिए, जो कि आप गलती भी करते हैं तो भी माफ़ करते हैं। माफ़ करने वाला व्यक्ति सदैव बड़ा कहा जाता है। परिवार का गार्जियन, परिवार का संचालक यदि ऐसे भाव रखता है तो संपूर्ण परिवार में स्वर्ग जैसा वातावरण होता है। इसी के साथ में सदाचारी बनकर के जीवन जिए और शुद्धता और पवित्रता माँ भगवती का आशीर्वाद प्राप्त करते हुए अपने जीवन को जिए, यही मेरा सबसे और लोगों से ये निवेदन रहेगा। और सभी को शुभ आशीर्वाद, मंगल कामनाओं के साथ आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो पंडित जी, आप यहाँ पर आए और आपने बातें इतनी सारी हमें बताई, इतने सारे उपाय बताए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद समय निकालने के लिए और यहाँ पर आने के लिए।
देखिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और सभी दर्शकों को बहुत शुभ मंगल कामनाओं आशीर्वाद के साथ शुभकामनाओं के साथ आपको बताना चाहेंगे कि ये दुर्गा देवी के बारे में बात हुई, मगर जो रामनवमी का ये रामनवमी भी कहलाती है, रामनवमी यानी रामचरितमानस के नवपुराण के पाठ कर रहे हैं या वाल्मीकि सुंदरकांड के पाठ कर रहे हैं या वाल्मीकि रामायण के पाठ कर रहे हैं उन सभी दर्शकों के लिए भी बताना चाहेंगे कि रामचरितमानस का दशा अंश हवन आप करें और जिसमें सिद्ध चौपाइयों का आप यहाँ हवन के माध्यम से आह्वान करते हुए हवन करें और उत्तर जो कांड है उत्तराकांड उसमें 62 से 67 वे दोहे तक दशांश की आहुतियाँ करें, इससे मनोरथ पूरी होती है और हनुमान जी के उपासकों के लिए भी है कि हनुमान जी की चौपाइयाँ करें। वैसे तो हनुमान जी के लिए कहा है कि ये कलयुग के देवता हैं और साक्षात प्रचंड कार्य करने वाले देव हैं, जाके सुमरण तेरी पुनासा नाम शत्रुअन वेद प्रकाशा, जिनके सुमरण से शत्रुओं का नाश हो जाता है। पवन तनय बल पवन समाना बुद्धि विवेक विज्ञान निदाना, जिनको मुकद में आदमी का संकट है, जो केस आदि में फंसे हुए हैं, ऐसे पवन तनय बल पवन समाना बुद्धि विवेक विज्ञान निदाना इस चौपाई के माध्यम से 108 बार बोल करके और हवन करें। और इसी प्रकार से देखिए, जा पर कृपा राम की हुई ता पर कृपा करें सब कोई, जिस पर राम की कृपा है उस पर दुनिया कृपा करती है। इसलिए मैं यही कहना चाहूँगा कि आप नवरात्रा के नवे दिन माँ सिद्धिदात्री के साथ साथ अपने आराध्य अपने इष्टदेव आपके कुल देवता के साथ में जो संकल्प किया है उनकी भी यहाँ संपूर्ण आहुति करते हुए और जरूर प्रसाद खिलाएं। जो लोग व्यस्त हैं, जो लोग घर में पकवान नहीं बना सकते, वो ऐसे लोग अपने होटल में बुला करके और कन्याओं का भोजन कराएं, ब्राह्मणों का भोजन करें, यथाशक्ति उनको दक्षिणा दें, उनको वस्त्र आदि दें और भेंट आदि दें। आप इसके साथ आभूषण आदि भी दे सकते हैं, आभूषण आदि भी दे सकते हैं, अपनी इच्छा स्वरूप और अपनी श्रद्धा स्वरूप दक्षिणा दी जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी आप यहाँ पर आए। और अंत में हमारे दर्शकों को हम यही कहेंगे कि सर्व बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्वित है मनुष्यो मत प्रसादे न भविष्यति न संशय। माँ दुर्गा आप पर सभी पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें। आज के लिए बस इतना ही और हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय माता दी।